मॉर्निंग फैम, वेलकम बैक टू द चैनल। मंडे 17 जुलाई हो रहा है सुबह के 11 बजे और आज फिर से एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है। वी गॉट अ लॉट टू डू दिस वीक एज वेल, सो यस, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स गेट टू वर्क। भाई फिर से एक बार दाढ़ी बहुत उग चुकी है और आज नॉट जस्ट ये शेव करना पड़ेगा बट आई विल हैव टू ऑल्सो ट्रिम द लेंथ, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे ना ये पूरा निकलने लगा है। संडे को सोचा था हेयर भी थोड़े ट्रिम करा लूँ पर वो भी नहीं किया, अभी पछता रहा हूँ। बट नेवरदलेस लेट्स ट्रिम दिस, शेव दिस ऑफ एंड स्टार्ट द वीक। उसके बाद वापस क्लाइंट के पास जाना है एंड आई हैव टू कम बैक एडिट अ रील फॉर यू गाइज एंड पुट दैट आउट एज वेल। शायद ये हफ्ते में हेयर कट भी हो जाएगा बिकॉज ये मेरे लेवल से थोड़ा ज़्यादा उग चुका है, ये भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो देखते धीरे धीरे एक एक चीज़ करेंगे बट फॉर नाउ लेट्स इसके लिए आपको एक कोम भी लगेगा सो दैट जो हम लोग रिवर्स में लेते हैं दैट ये पूरे मतलब बाल खड़े हो जाते हैं, सो उसको वापस बिठा के एक और या दो और राउंड करने पड़ते हैं। सो आई थिंक इवन द एजेस आर नीटली डन ऑलरेडी, यू कैन सी के यहाँ का जो पूरा पफी पफी निकला हुआ था वो लेंथ मस्त बैठ चुका है। Alright fam, done with the shave. Must neat and tidy ho gaya thoda. This is what I was meaning. Ke it'll settle down a little more and thode lines neat ho jayenge. Abhi na mero baal dekh ke ye ho raha hai kyunki yaar kaash main Sunday ko dil ki sun leta aur kata leta usse. I need to make one call, important one, and find out ki kal punto ke liye slot milega kya, kyunki gaadi ki service बहुत टाइम से बाकी है जी। कल के लिए वो गाड़ी की सर्विस का स्लॉट मिलेगा? ओके, सो कल लेके आऊँ मैं। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। कल का स्लॉट बुक हो चुका है, आई कैन टेक द कार फॉर सर्विस, सो इट्स गोइंग टू बी अ मैड 2 डेज क्योंकि काफ़ी टाइम जाएगा, ट्रैवल है और ये जो सर्विस है काफ़ी दूर है मेरे घर से, आई लिव एट बैंड्रा एंड ये जो स्पेसिफिक सर्विस वाले के पास जा रहा हूँ इज़ रिकमेंडेड बाय अ फ्रेंड एंड उनका नाम है RS मोटर्स विच इज़ इन कांदिवली। आज तो नहीं जा रहे, कल जा रहे बट अभी फ़िलहाल फटफट नहाते एंड आई हैव टू हेड फॉर द क्लाइंट, उसके बाद वापस आके वापस काम है। सो यस, बिजी 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 वीक। इतना लेट हुए यार, पूछो मत। सो क्लाइंट सेशन हो गया, धना धन बारिश हो रही है बाहर, आई डोंट नो इफ यू कैन सी बट यस वी विल हेड बैक नाउ। अभी रील एडिट करना है शाम के लिए जो आज निकालना है, ग्रीन सिग्नल हो चुकी है, वी आर बैक होम। यार किकबॉक्सिंग सेशन मेरा बहुत दिनों से बाकी है, प्रॉब्लम उसका यही है कि भाई उनके पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स होते हैं और वो मैं तभी फ्री नहीं होता हूँ तो वो मैच नहीं कर पाता, तो जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं चले जाता हूँ, बट यार वो मेरे को सही में आई वॉन्ट टू गिव मोर टाइम टू किकबॉक्सिंग, देखते अगर उसका कुछ जुगाड़ होता है तो। एडिट करते करते कुछ एडिट क्या मतलब एडिट करके पोस्ट करते 6:15 हो चुका है, आई एम गोना हेड टू द जिम नाउ बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ हेडिंग फॉर माई किकबॉक्सिंग सेशन, 8:30 का क्लास है अवेलेबल। जैसे ही दिन निकलते जाता है हालत हो जाती है क्योंकि वो एनर्जी लेवल ड्रॉप होते रहता है। आई एम स्टिल थिंकिंग बिकॉज आई हैव 2 major workouts टुडे, डेडलिफ्ट कर लूँगा बॉडी ख़त्म, उसके साथ साथ बैक, after that a full session of cardio and kickboxing, so it's going to be a maxed out day, like proper maxed out, but I look forward to it because din aisa hi hona chahiye yaar, khali khali rehta hai maza nahi aata।
सर जल्दी से आए बोल दो। ऑल राइट फैम, डन फॉर द डे, बियॉन्ड एग्जॉस्टेड। रात के फिलहाल ऑलमोस्ट 11:30 बजने आए हैं। कल सुबह फिर से जल्दी उठना है, बहुत काम है। सो आई एम गोना कॉल इट अ डे। मैं शायद अभी भी कोशिश करूँगा कि कम से कम आज का जितना सेक्शन है व्लॉग का वो मैं एडिट करके रख दूँ ताकि कल लोड ज़्यादा ना आए। आई एम गोना रैप अप द डे एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग। वी नीड टू रश टूडे बिकॉज मुझे कांदिवली जाना है विच इज़ लिटरली एट द अदर एंड ऑफ टाउन। सो आई विल हैव टू लीव बाई 8:30 जो कि मेरे को ऑफिस का ट्रैफिक ना मिले। सो आई हैव टू बीट द ट्रैफिक बेसिकली। सो दिस नो टाइम एट ऑल। फटफट फ्रेशन अप होते हैं, नाश्ता करते हैं, निकलते हैं सीधा। सुबह के 9 बजे ट्रैफिक लग चुकी है पूरी की पूरी। दिस इज़ द स्टेट ऑफ बॉम्बे। पता नहीं मतलब आगे क्या होगा। तो आई कॉन्ट एक्सप्लेन हाउ आई गॉट आउट ऑफ दिस लकी रेस्टोरेंट का पैच। फॉर दोज ऑफ ऑल दैट लिव इन बॉम्बे ऑल मस्ट बी नोइंग द लकी रेस्टोरेंट एट बांद्रा। द ओनली इशू आई हैव विद दिस होल मेट्रो प्रोजेक्ट इज वी डोंट हैव रोड्स टू ड्राइव ऑन, एंड क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस मेक्स नो सेंस टू मी। बिकॉज या द पीपल दैट ट्रैवल बाई ट्रेन एंड स्टफ उनका वो लोड कम हो जाता है, पर जब रस्ते ही नहीं है, एवरीबडी इज ट्रैवलिंग बाई कार्स, द इश्यू इज वी डोंट हैव द रोड्स टू सपोर्ट दैट काइंड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। वाई नॉट डू समथिंग अबाउट दैट? वाई नॉट टेक ऑन अ रोड प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ समथिंग लाइक दिस, सो दैट थोड़ा वो ट्रैफिक का लोड कम हो जाए। छोटे से छोटा रास्ता आपको पार करने के लिए आपको 15-20 मिनट निकल जाते हैं। आई थिंक आई वॉज एट दैट लकी का सिग्नल ईजिली फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट एक 500 मीटर की स्ट्रेच के लिए आप सोचो क्या होता है। Also, the reason I am going to this particular service center is because ये जो गाड़ी थी वो इज अ क्लोज फ्रेंड्स कार ऑफ माइन, सो आई परचेस्ड इट फ्रॉम हिम। यू मस्ट हैव सीन रिकी इन इवन द प्रीवियस व्लॉग्स व्हेन आई बॉट माय 10R, आई वेंट टू शो इट टू हिम। सो दिस वॉज हिज कार एंड आई परचेस्ड इट फ्रॉम हिम। Now he knew all the places where the parts availabilities are and you know the best services are. The issue is that Fiat officially has left India as a company, so they no longer sell cars here and they no longer sell cars here. So logo ko lagta hai ki bhai, you know, it's such a problem and this and that, but the service center that I'm going to, RS Motors, they were authorized service people फॉर फियाट इवन बैक इन द डे जब उनकी कंपनी थी यहाँ पे। दैट इज़ अ रीज़न आई सेड माइट एज वेल गो टू देम, दे नो हाउ टू वर्क ऑन दिस कार्स, दे नो हाउ टू सॉर्ट ऑफ यू नो, वो चीज़ें बहुत मैटर करती है कि द टेक्नीशियंस नो हाउ टू हैंडल दैट पर्टिकुलर ब्रांड। हर ब्रांड का अलग अलग रहता है, फिटिंग्स अलग रहती है। इट्स अ गुड बेट टू सॉर्ट ऑफ गो टू समबडी हु नोज हाउ टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर कार एज कम्पेयर टू जस्ट गिविंग योर कार एनी वे फॉर सर्विस और वो लोग कुछ आपके कोई इंटीरियर के क्लिप्स तोड़ दे, पैनल निकालते कुछ और तोड़ दे। सो एंड वो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है बॉम्बे में, और अंदर से आपको वो जिप टाई मार के देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई आपका गाड़ी जब खुली थी आपका अंदर से क्लिप टूटा हुआ था। भाई साहब जो डार्क क्लाउड्स है यार, जो डार्क क्लाउड्स है पूछो मत। आई डोंट नो ये GoPro में दिखाएगा कि नहीं, क्योंकि डायनामिक रेंज इसका उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। इट्स अ GoPro Hero 4, बट मैन दोस क्लाउड्स आर डार्क। यही पावर के लिए मैंने ये गाड़ी ली थी भाई। एक बार टर्बो किक इन किया ना, मजे, और इसको स्टेज टू करा दो तो खत्म। ये ऑल्टो वाले को कैसे समझाने का कि चाचा इसमें ऐसे 3 गुना ज्यादा पावर है, हट जाने का ना फट से।
ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, यू मेड इट टू आरएस मोटर्स। गाड़ी अंदर लग चुकी है, बेसिक सर्विस मारना है और दो तीन और काम कराने हैं छोटे से। बॉम्बे की धूल के साथ भाई हालत देख लो इंजन बे की। खा दीजिए। ओह हो, दम तोड़ रहा था। ये हालत है एयर फिल्टर की, तो इट वॉज हाई टाइम वी नीड अ न्यू वन। सो वी पुल्ड आउट द कैबिन फिल्टर फ्रॉम द कार। हालत देखो, मजा आ रहे भाई, पूरा चौकअप है। हालत देखो भाई कैबिन फिल्टर की, गॉन गॉन कंप्लीटली। See what life below your car looks like. सर दिखा रहे थे कि क्या यहाँ पे हमारा साइलेंसर, साइलेंसर का बुशिंग इज गॉन, सो दिस विल बी चेंजिंग विच जस्ट होल्ड्स दिस इनटू प्लेस, वरना ये रैटल होएगा। सो आई एम थरली इम्प्रेस्ड विथ हाउ दिस गाइज वर्क आउट हियर। इट्स अ कम्प्लीटली प्रोफेशनल जॉब। द कार इज ऑन द रैम्प, द ओनर्स आर एब्सोल्यूट जेंटलमैन। वन ऑफ देम इज स्टैंडिंग विथ मी एक्सप्लेनिंग एवरी सिंगल बिट टू मी that this is this, even though aapko pata hoga, but he's guiding you through it, and that is the approach that I like at service centers. I don't like when the job is just done and you know wrapped up and yes sir your car is ready. As owners we want to know what is going on with the car, and these guys are doing a fabulous job, so thank you so much RS Motors. That is the new oil filter going in. Ye apna naya cabin filter hai, ye purana hai, ye fresh air filter dal rahe bhai। भाई बाल्टी के हिसाब से इंजन ऑयल डाल रहा है, इसमें 3.2 आता है, 3.2 लीटर ना। हाँ। आपका नाम क्या भाई? दया। दया दरवाजा तोड़ते हो? Alright fam, done with the service. She is washed and ready to take back home. You will not be able to guess the time right now. It is 4 in the afternoon. Subah se yahan pe meri batti gul ho chuki hai. You can see my face. But amazing job by RS Motors. I am very very pleased with the quality. Yahan pe jitne bhi bande log hai, ek ek department ka ek ek banda hai. But ye log dil se kaam karte hai. पूरा ध्यान लगा के काम करता है, ऐसा नहीं कि यू नो जस्ट रैप द वर्क अप दे विल जस्ट फिनिश इट ऑफ क्विक। सो वेरी हैप्पी विद द गराज, वेरी हैप्पी विद द सर्विस। बस अभी गाड़ी में बैठ के वील हेड बैक होम। आई विल से बाय टू द ओनर एंड सो वीव गॉट कीर्तिकर सर हियर, वीव गॉट कैलाश सर हियर। थैंक यू गाइज फॉर द अमेजिंग सर्विस। It was a very good job. I was very pleased with the work, and I hope you are happy with the work. What absolutely, absolutely. Thank you so much, both of you. Thank you. Welcome. Whenever you done with the service, हालत हो गई पूरी की पूरी, क्योंकि almost कुछ 4-4:30 हो रहे। Heading straight back home, but अगर हमारी वहाँ पे सिर्फ बैठ के खड़े रह के और वीडियो बनाते हालत हुई, तो वहाँ के जो employees हैं उनका सोचो, वो लोग कैसे ये काम पूरा दिन करते होंगे। Working on a car is not easy, being in those circumstances not easy at all. So hats off to the team. But mere mein bilkul bhi jaan nahi bachi hai. We'll head straight home and I'll talk to you ghar pe. All right fam, gym bhi jaake aa gaye, ticked off everything that we had to do today, so super productive day. Thoda nazdeek se ye vlog main end kar raha hu taki depth hai, but anyways beautiful 2 days, enjoyed myself with whatever I had to do. Bahut kuch seekhne bhi mila as you guys saw, and yes, if you did like the vlog you guys know what to do, like kar do, comment kar do, subscribe kar do. Also, our thanks button is active if you guys want to support the channel. All of that goes straight into the channel so that I can make better content for you guys. And memberships bhi available hai, agar leni hai to no force at all. Aapko lage ki aapko acha lagta hai content, it's worth it, go for it.
लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड स्टिक अराउंड, स्टे ब्लेस्ड, कीप पुटिंग इन द वर्क. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.